आज जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने 90s में बॉलीवुड में रूल किया है। ये बॉलीवुड में रही तो 8 से 10 साल ही, लेकिन इस टाइम में उन्होंने तकरीबन 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और सभी ए लिस्टर एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद वो जब इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने कई इंडस्ट्री किड्स से टक्कर ली, जैसे कि पूजा भट्ट, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन। और बात करें अगर उनकी खूबसूरती की तो इस मामले में उन्होंने टक्कर ली थी माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और श्रीदेवी से। और हाल ही में उन्होंने जो जंग जीती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। बात हो रही है सोनाली बेंद्रे की। और आज सोनाली की ही लाइफ से जुड़ी मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आपको शायद ही मालूम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कब क्यों और कैसे। तो जानेंगे कि कब बिना फिल्मी बैकग्राउंड के सोनाली ने एंट्री की बॉलीवुड में, क्यों ए लिस्टर एक्टर्स की पहली पसंद थी सोनाली बेंद्रे ही, और कैसे इतनी टॉप पर होने के बावजूद ही उनका करियर 10 सालों में खत्म हो गया। सोनाली बेंद्रे का जन्म मुंबई में ही हुआ। इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, इसीलिए इनकी अपब्रिंगिंग अलग अलग सिटीज में हुई है। इसके बाद एक टाइम पर इनके फादर मुंबई में ही सेटल हो गए। थाने से इन्होंने अपने स्कूलिंग की और उसके बाद ये देहरादून चली गई अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने फिर से मुंबई में ही आकर की। तब तक सोनाली बेंद्रे को एक्टिंग और मॉडलिंग का ख्याल तक नहीं था। फिर एक बार कॉलेज में एक टैलेंट सर्च हुई और ये टैलेंट सर्च थी स्टारडस्ट टैलेंट सर्च, और इसके लिए कॉलेज में सोनाली ने भी मॉडलिंग की और वो फाइनली सेलेक्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट किए और इसी दौरान उन्हें स्पॉट किया महेश भट्ट ने। महेश भट्ट ने सोनाली को अपनी फिल्म नाराज में कास्ट किया। इस फिल्म में उनके साथ थे मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री। लेकिन ये फिल्म बनने में थोड़ा टाइम लग गया और इसी दौरान सोनाली की एक और फिल्म जो उन्होंने साइन की थी गोविंदा के साथ, आग, वो पहले रिलीज हो गई। इसी तरह से आग सोनाली की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म बनी। वैसे अगर बात करें सोनाली बेंद्रे के लॉन्चिंग की या बॉलीवुड में एंट्री की तो वो धमाकेदार थी, क्योंकि गोविंदा ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुके थे। शोला और शबनम, आंखें, ये सारी फिल्में आ चुकी थी और सोनाली ने एंट्री मारी थी टॉप के कमर्शियल हीरो के साथ। माना जा रहा था कि सोनाली आते ही बॉलीवुड में हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें कुछ फ्लॉप्स का स्वाद चखना पड़ा। इस फिल्म को गोविंदा का स्टारडम भी नहीं बचा पाया, क्योंकि गोविंदा तब तक कॉमेडी में आ चुके थे और आग फिल्म में वो एक्शन हीरो का काम कर रहे थे। इसके बाद सोनाली बेंद्र और कुछ फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा रही। इसी दौरान आई फिल्म बॉम्बे और इसका गाना हम्मा हम्मा सुपर हिट रहा। इस गाने में परफॉर्म किया सोनाली बेंद्र ने ही, और वहीं से उन्होंने इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दिया और यहाँ से नोटिस होने लगी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे। इसी दौरान उनकी सुनील शेट्टी के साथ फिल्म आई गद्दार। इस फिल्म को तो किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन इस फिल्म से सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी सुपर हिट हो गई। लोगों को इनकी केमिस्ट्री पसंद आने लगी। और अगर बात करें सुनील शेट्टी के पूरे करियर की तो उनके पूरे करियर में अगर उनकी जोड़ी किसी के साथ हिट रही है तो वो है सोनाली बेंद्रे। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया जिसमें से कुछ फिल्में सुपर हिट रही, जैसे कि सपूत और रक्षक फिल्म। जब सोनाली बेंद्रे और सुनील शेट्टी एक दूसरे के साथ ये सारी फिल्में कर रहे थे तब उनके अफेयर्स की खबरें भी आई थी। कहा जाता है कि सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और वो उनके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन तब सुनील शेट्टी ऑलरेडी मैरिड थे। और थोड़े टाइम के बाद सोनाली ने भी सुनील शेट्टी से शादी करने की होप छोड़ ही दी। फिर सिर्फ सुनील शेट्टी ही नहीं, सोनाली बेंद्रे के खूबसूरती के दीवाने तो काफी थे। इसी दौरान उनका नाम जुड़ा राज ठाकरे के साथ भी। वेल, ये बात क्लियर नहीं है कि राज ठाकरे सोनाली को पहले से जानते थे या नहीं, लेकिन इसमें दो तरह की स्टोरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि राज ठाकरे सोनाली को पसंद करते थे और सोनाली को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने में राज ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोनाली बेंद्रे की जब फिल्में आई
तभी से राज ठाकरे उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन राज ठाकरे उस टाइम ऑलरेडी मैरिड थे। पब्लिक इमेज को बचाने के लिए और फैमिली के प्रेशर के कारण राज ठाकरे और सोनाली की बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। सोनाली बेंद्रे एक से एक टॉप स्टार्स के साथ ही काम कर रही थी और इनफैक्ट उन स्टार्स के साथ कास्ट हो रही थी जिनकी ऑलरेडी जोड़ी किसी और एक्ट्रेस के साथ जमी हुई थी, जैसे कि फिल्म डुप्लीकेट। इस फिल्म में थे शाहरुख और जूही, जो ऑलरेडी 90s की सुपर हिट जोड़ी थी, और इस जोड़ी के साथ सोनाली बेंद्रे को कास्ट किया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 98 आते आते ऐसा कहा जा सकता था कि सोनाली वन ऑफ द एक्ट्रेस हो गई हैं, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि एक्टिंग के मामले में भी बहुत ही संजीदा है। इस दौरान उन्होंने फिल्में की जख्म और सरफरोश, जो दोनों ही फिल्में बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में काउंट होती है। इसी साल सोनाली एक और फिल्म कर रही थी, ये फिल्म थी अंगारे, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे गोल्डी बहल। गोल्डी बहल को सोनाली वैसे पहले से जानती थी, क्योंकि एक बार वो महेश भट्ट की जब फिल्म कर रही थी नाराज, तब गोल्डी बहल सेट पर विजिट किया करते थे, तो वो उन्हें जानती थी लेकिन बातचीत इतनी नहीं थी। इस फिल्म के दौरान गोल्डी बहल और सोनाली बेंद्रे एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और इन दोनों ने इस फिल्म के बाद से ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि गोल्डी बहल बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर्स में से एक रमेश बहल के बेटे हैं। फिल्म का करियर सेट हो गया था। इधर पर्सनल लाइफ में भी गोल्डी उन्हें पसंद आने लग गए थे, अच्छी फिल्में भी ऑफर हो रही थी और सोनाली की खूबसूरती की तारीफ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज से भी आ रही थी। उसी दौरान पाकिस्तान के एक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने सोनाली की तारीफ करते हुए कहा था कि सोनाली को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगती है और अगर उन्होंने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो मैं उन्हें किडनैप भी कर लूंगा। कहा तो ये भी जाता है कि शोएब अख्तर अपने वॉलेट में सोनाली का फोटो रखा करते थे। वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सोनाली ने जितना सोचा नहीं था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लिया था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके करियर को ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ को हिला के रख दिया। इस दौरान सोनाली ने एक मैगजीन के लिए एक कवर शूट किया। इस शूट में सोनाली ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उन कपड़ों ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और इसी कारण सोनाली, उनके डिजाइनर और उनके फोटोग्राफर के खिलाफ कंप्लेंट हुई। इसके बाद पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। वेल, ये मुसीबत टली ही नहीं थी कि दूसरी मुसीबत ने सोनाली का दरवाजा खटखटाया था। इस दौरान वो फिल्म कर रही थी सलमान खान के साथ हम साथ साथ हैं, एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म थी और राजस्थान में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और इसी दौरान राजस्थान में सलमान का जो ब्लैक बग पोचिंग केस था उसमें सोनाली का भी नाम आया और उन्हें भी कई बार कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ा। हम साथ साथ हैं में सोनाली और सलमान एक दूसरे के अपोजिट थे और इनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई। सलमान को काफ़ी टाइम बाद इस रूप में देखा गया और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये दोनों आगे भी कुछ फिल्मों में हमें साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सोनाली सलमान के साथ सिर्फ चल मेरे भाई और ढाई अक्षर प्रेम में नजर आई। इनफैक्ट ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म में सलमान भी कैमियो में ही थे, जो उन्होंने ऐश्वर्या के लिए किया था। और यहीं से सोनाली बेंद्रे के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्हें फिल्में तो मिल रही थी लेकिन वो फिल्में चल नहीं रही थी, जैसे कि जिस देश में गंगा रहता है। इस फिल्म में रिंकी खन्ना थी, साथ ही सुपरस्टार गोविंदा थे, लेकिन उनका स्टारडम भी इस फिल्म को बचा नहीं पाया। इसी दौरान सोनाली का एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा झगड़ा हो गया जिस कारण उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन तीन फिल्मों से हाथ धो दिए थे। प्रोड्यूसर जम्मू सुगंध, जिन्होंने सोनाली को हम्मा हम्मा सॉन्ग दिया था, उन्होंने सोनाली को एक फिल्म के लिए साइन कर दिया था। ये फिल्म थी सिस्टम और इस फिल्म के लिए सोनाली ने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। लेकिन जब इस फिल्म की कास्टिंग पूरी हुई और सोनाली को पता चला कि इस फिल्म में उनके साथ कोई नया हीरो लिया जा रहा है, यानी कि आर्यन वैद्य, तब सोनाली ने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे स्क्रिप्ट में चेंजेस चाहिए क्योंकि मुझे आर्यन का रोल बड़ा लग रहा है, जबकि बड़ी एक्टर तो मैं हूँ। लेकिन इधर डायरेक्टर स्क्रिप्ट में चेंजेस करने को तैयार ही नहीं था।
जब स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं हुए तो सोनाली ने इस फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया। और इस फिल्म के साथ उनकी दो और फिल्मों की डील थी जो वो महेश मांजरेकर के साथ कर रही थी। तब प्रोड्यूसर ने अपना पावर यूज़ किया और सोनाली को अगली दो फिल्मों से भी निकलवा दिया। जब सोनाली के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें झुकना पड़ा और फिर उन्होंने आर्यन वैद्य के साथ सिस्टम फिल्म में काम किया। हालांकि ये फिल्म पूरी बन गई बट रिलीज नहीं हो पाई। और अगर बात करें महेश मांजरेकर के साथ वाली दो फिल्मों की तो उनमें से उन्हें फिर एक ही फिल्म मिली और ये फिल्म थी जिस देश में गंगा रहता है। वेल, अब वो टाइम आ गया था जब सोनाली को यहाँ पर बॉलीवुड में अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे या फिर जो अच्छे थे वो सिर्फ कैमियो थे और यही कारण था कि उन्होंने साउथ इंडस्ट्री का रुख ले लिया और वहां से उन्हें फायदा भी हुआ। जिस तरह का काम उन्हें बॉलीवुड में नहीं मिल रहा था वो अब उन्हें साउथ से मिल रहा था। इसी दौरान उन्होंने साउथ में एक फिल्म की और इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तभी इस फिल्म को हिंदी वर्जन में भी रिलीज किया गया। ये फिल्म थी दिल ही दिल में और इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट हुए थे। लेकिन सोनाली बेंद्रे के फैंस इधर भी थे, इसी कारण उन्होंने बॉलीवुड भी पूरा नहीं छोड़ा और साथ में उन्होंने एक और नई शुरुआत की टीवी से। 2002 में सोनाली ने गोल्डी बहल के साथ शादी कर ली और उसके बाद वो अपनी फैमिली में इतनी बिजी हो गई कि उन्होंने सिल्वर स्क्रीन को बाय ही कह दिया। इसके बाद 2005 में इन्हें एक बेटा हुआ। इसी दौरान सोनाली हमें टीवी शोज में तो नजर आती थी लेकिन वो सिल्वर स्क्रीन पर नजर नहीं आई। 2002 के बाद वो हमें नजर आई सीधे 2013 में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में, वो भी एक कैमियो रोल में। 2014 में उन्होंने टीवी शो किया अजीब दास्तां है ये और इस शो के लिए उन्हें पर डे 4 लाख रुपीस पे किए गए थे। 2015 में सोनाली बेंद्रे ने अपनी पहली बुक रिलीज की, ये बुक थी द मॉडर्न गुरुकुल। और इसी दौरान गोविंदा एक मराठी शो पर गए जहां पर उन्होंने सोनाली बेंद्रे के लिए कुछ ऐसी बात कही जिसको सोनाली के सोर्सेज ने रिजेक्ट कर दिया। ये शो एक मराठी शो था जिसका नाम था चल हवा येऊ दे, जिसका मतलब है चल हवा आने दे। गोविंदा ने बताया कि वो कहीं जा रहे थे तभी उन्होंने सोनाली बेंद्रे को रिक्शा में चढ़ते हुए देखा था। गोविंदा को देखते ही सोनाली उनके पास आ गई थी और तब सोनाली ने कहा कि हेलो गोविंदा जी, मैं सोनाली बेंद्रे हूँ। तब गोविंदा ने उनसे कहा कि आप बहुत खूबसूरत है, आपको फिल्मों में आना चाहिए। हालांकि गोविंदा की इस बात को सोनाली के सोर्सेज ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और गोविंदा एक बार फिर से वैसी ही कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए जैसी कॉन्ट्रोवर्सी अवतार फिल्म को लेकर हुई थी। और अब सोनाली की लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो भगवान दुश्मनों को भी ना दे। सोनाली को कैंसर डिटेक्ट हुआ और इसकी खबर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सबके साथ शेयर की। ये खबर पढ़ने के बाद एक पॉलिटिशियन जिसको इस खबर की आधी अधूरी नॉलेज थी उसने सोनाली की डेथ को लेकर ट्वीट कर लिया और कहा कि मुझे बहुत दुख है कि सोनाली हमारे बीच नहीं रही। इसके बाद उस पॉलिटिशियन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया सोनाली की झूठी मौत की खबर फैलाने के लिए। कुछ टाइम तक न्यूयॉर्क में कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद सोनाली बेंद्रे फाइनली इंडिया आ गई और न्यूयॉर्क से आने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। वो अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों से ही जोड़े रखती हैं, बुक रीडिंग करती है, मोटिवेशनल बातें करती है, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करती है। सोनाली बेंद्रे का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सर्कल है और बच्चन फैमिली से उनकी गहरी दोस्ती है। मनीषा कोइराला, इरफान खान, ऋषि कपूर इन चंद एक्ट्रेसेस में से सोनाली बेंद्रे भी एक है जिसने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पर जीत हासिल की है और हम आशा करेंगे कि वो जल्द ही हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। सोनाली बेंद्रे की लाइफ को देखकर हमें यही लगता है कि उनका बॉलीवुड करियर काफी अच्छा रहा है। वो खूबसूरत थी, उन्होंने ए लिस्टर्स के साथ काम भी किया लेकिन वो अपनी फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा चूजी रही। शायद यही कारण है कि उनके हाथ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए और इसी कारण उनका ये जो करियर जो लंबा हो सकता था वो चंद सालों में सिमट गया। आपको सोनाली बेंद्रे की कौन सी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए सेलिब्रिटी की लाइफ के एनालिसिस के साथ। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।